ने कहा कि हमारे पूर्व मंत्री का जो किया हुआ है उस सपनों को भी आगे साकार करेंगे। अगर छोटे लकीर खींच पाए तो हम लंबी लकीर खींच लेंगे, लेकिन सपोर्ट उनका भी चाहिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के अशोका होटल में सभी राज्यों के उद्योग मंत्रियों के एक सम्मेलन बुलाया गया था। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी पहुँचे हुए थे। सर, किस एजेंडा को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी? ये निश्चित तौर पर हमारे पूरे देश से निर्यात पे कौन सा कहाँ से जाए जी, ताकि निर्यात के माध्यम से पूरे देश में हमारा भी जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बिहार से, उसी पर था। और हम लोगों ने कहा कि मधुबनी का मिथिला का मखाना है, मधुबनी का खादी है, और निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि मधुबनी पेंटिंग विश्व विख्यात है जी। तो इन्हीं तीन को लेते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। लेदर का कि नहीं है, गारमेंट्स है, सभी चीज़ों की बातचीत हुई, हमें बहुत पॉजिटिव लगा। अब हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे तभी ना कोई पदाधिकारी मदद करेंगे जी। तो हम अपने तरफ से पॉजिटिवनेस लाएंगे तभी यहाँ से उन चीज़ों को हम धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं जैसे हम पॉजिटिव हैं और मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने के लिए पॉजिटिवनेस ही काम आएगा। और बिहार को जो गरीबी रेखा है, पूरे देश का जीडीपी रेशियो उसके चलते माने डैमेज हो रहा है, अगर देश को आगे बढ़ना है तो बिहार को आगे बढ़ाना होगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आए हैं, आगे भी हम आगे आएंगे, फिर आपके साथ बैठक करेंगे। बहुत बहुत मंत्री जी से कैसा रिस्पॉन्स मिला जो पीयूष गोयल जी थे? पॉजिटिव मिला, हर एक चीज़ बढ़िया मिला, कोई निगेटिव की तो बात ही नहीं है ना। हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं हमको दौड़ने से कौन रोक सकता है जी। हमारे में कमी होगी, हम नहीं आएंगे तो हम में कमी है जी। तो वही चीज़ है, हमने कहा कि हमारे पूर्व मंत्री का जो किया हुआ है उस सपनों को भी आगे साकार करेंगे। अगर छोटे लकीर खींच पाए तो हम लंबी लकीर खींच लेंगे, लेकिन सपोर्ट उनका भी चाहिए, हमारा कोई निगेटिव नहीं। सवाल है सर कि बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पर उद्योग बड़ी चुनौती है, उसको लेकर क्या लगता है कि आप जो केंद्र से लगातार बैठकें कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इससे? 100% मिलेगा, हर एक तरह से मिलेगा। जो आगे जो जिस जगह पे है पूरे देश में हमारा बिहार कहाँ वो स्टैंड करता है, हमारा टारगेट होगा कि कैसे 1 से 10 में आवे। अभी तो कोई स्थान नहीं ना रखता है भाई, तो पुराने लोग के बारे में हम क्या बोलेंगे, उनको सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन आप बता दें ना कि पूरा बिहार पूरे देश में कहाँ रखता है, इस उद्योग के माध्यम से कहाँ स्थान रखता है, हमारा टारगेट इस ऊपर ले जाना, तो हमारा सोच है पॉजिटिव, हम इतना ही कहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि बिहार में उद्योगपति आए, इसको लेकर लगातार सवाल लोग उठाते रहे हैं कि बिहार में उस तरह की स्थिति नहीं है, इसलिए उद्योगपति आ नहीं पाते। कोई भी बात समझिए, ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा मैन पावर बिहार में है जी। हम अनस्किल से स्किल बन रहे हैं, पूरे देश का उद्योग चलता है बिहारी के वजह से। तो हम यहाँ डेवलप करेंगे तो और ना बढ़िया हो जाएगा। जो 20,000 कमाता था, जो वहाँ 10,000 घर भेजता था, 20,000 में 2,000 खर्चा होगा, 18,000 घर देगा, तो बिहार की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगा। 10,000 वाला कि नहीं, मैंने 4,000 खर्चा वहाँ होता था, 5,000 उसके पास बचता था, तो अब 1,000 काट करके 9,000 घर में देगा तो बिहार की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। वहाँ का साबुन, वहाँ का मसाला, वहाँ का, तो हर एक कुटीर उद्योग पर हमारा थ्रस्ट होगा। पूरे बिहार में जो छोटे स्मॉल हैं उसको हम धरातल पर उतार देंगे। अब बड़े उद्योग तो उसके बाद एवे करेंगे, जब गुणवत्ता का ख्याल रखना है देश में, जब तक गुणवत्ता स्पूरियस को डिस्कार्ड करना है, गलत को कि नहीं हटाना है, तो आप आगे तो बढ़ने से कौन रोक पाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।